आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। निकाय चुनाव में अब कुछ शेष ही दिन बचे हुए हैं। 4 मई को पहले चरण की वोटिंग होगी, दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, वहीं 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं। सभी पार्टी निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं और हमारे बीच आज नगर संग्राम में शिव नारायण यादव हमसे जुड़ेंगे। बता दें कि 45 छदनाग झूसी से दावेदारी पेश कर रहे हैं। निषाद पार्टी ने अपना इन्हें पार्षद प्रत्याशी बनाया है। 2015 में जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। जिला पंचायत सदस्य रहते हुए इन्होंने कई विकास के काम किए हैं। अपनी जनता से समर्थन लेने के लिए निषाद पार्टी ने इन्हें अपना पार्षद प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ नगर संग्राम में शिव नारायण हमारे साथ जुड़ेंगे अभी कुछ ही देर में। तो बता दें कि 2015 में जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। जिला पंचायत सदस्य रहते हुए कई विकास के काम इन्होंने किए हैं। शिव नारायण जी, प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं सही होगा तो हम शिव नारायण जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? शिव नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। आपको भी। शिव नारायण जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने राजनीतिक सफर के बारे में बता दीजिए। अभी तक आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा है? हमारा राजनीतिक सफर बहुत अच्छा रहा है। 2015 से 20 तक जिला पंचायत सदस्य रहा और क्षेत्र में मैं जिला पंचायत रहते हुए रोड हुआ, नाली हुआ, बिजली हुआ, ये सारी सुविधाएं मैं अपने क्षेत्र के लिए कार्य के लिए किया और जनता का स्नेह और प्यार हमें मिला और जनता हमें पार्षद, ये नगर निगम का जो चुनाव चल रहा है, पार्षद चुनने के लिए जनता का स्नेह प्यार, वो हमें चुनाव, जनता हमें चुनाव लड़ा रहा है। जनता की ही बात। जी जी बोलिए। हाँ मैडम जी, आप पार्षद पद की दावेदारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे क्षेत्र में हो सकेगा मैं क्षेत्र के लिए विकास करूंगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए सरकार से हम रोजगार की कामना करेंगे और स्वास्थ्य के प्रति जो हमारे गांव में लोग हैं तो उनके लिए शिविर लगवा के उनका चेकअप कराया जाएगा, जो लोग जैसे गंभीर बीमारियों से परेशान रहते हैं। तो जनता के लिए यही सारी चीजें, अगर मैं चुन के जाता हूँ पार्षद, अगर मैं चुन के जाता हूँ तो नगर निगम में, तो सारी चीजें जो भी समस्या जनता के लिए होगी मैं उसे उठाऊंगा। अपने क्षेत्र में आप अभी तक सबसे बड़ी समस्या क्या देख रहे हैं? अब समस्या ये, अभी ये जो हमारा क्षेत्र है नगर निगम में जुड़ा है, अभी तो क्षेत्र में ये ग्रामीण एरिया है, हमारा क्षेत्र जो है ग्रामीण एरिया में आता है, तो अभी तो काफी समस्या हमारे क्षेत्र में है क्योंकि कहीं बिजली नहीं है तो कहीं नाली नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं अभी तो पानी भी नहीं पहुंचा, तो ये सारी समस्या है क्योंकि अभी नगर निगम ग्रामीण एरिया को नगर निगम में घोषित किया गया है, यही तमाम समस्याएं हैं। शिव नारायण जी, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति में आप अपना मार्गदर्शक किसको मानते हैं? मैं मार्गदर्शक तो जो हमारी जनता है, देखिए जनता ही जो है हमारी मार्गदर्शक, क्योंकि यही सब कुछ हमको बताते हैं कि हम भाई जनता के बीच जाते हैं तो यही सब बताते हैं कि भैया ये कार्य करना है, मतलब तमाम प्रकार की समस्या जो हमारी ये जनता ही मार्गदर्शक हमारी। राजनीतिक सफर में आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है अभी तक? अब चुनौतियों को सामना, मैडम जो भी समस्याएं आई है उस समस्या को मैं निदान किया हूँ जनता के प्रति, जैसे हमारे यहाँ अभी कोरोना काल में काफी समस्याएं जनता के बीच हुई है, तो मैं जनता के प्रति जो हो सका सेवा भाव, चाहे स्वास्थ्य के प्रति और मतलब उनके हर चीज देख देख में काफी मैं हाथ बटाया।
शिव नारायण जी, आप जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, तो अभी कौन कौन से ऐसे विकास कार्य जो हैं लगता है कि अभी अधूरे हैं, उनको पूरा करना है? जैसे मैं मैडम बताया कि अभी ये ग्रामीण एरिया जी, तो हमारे यहाँ अभी बिजली की समस्या, पानी की समस्या, रोड की समस्याएं, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। शिक्षा के, जैसे शिक्षा ग्रामीण एरिया है, स्वास्थ्य की तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ करना चाहते हैं आप? अब देखिए, मैं तो जो सोचता हूँ, हमारे जो ग्रामीण एरिया है, बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं यहाँ। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गरीब तबके की आबादी है ये ग्रामीण एरिया में, तो उनके लिए मैं सोचता हूँ कि शिक्षा के प्रति कोई अच्छा विद्यालय खुलवाया जाए, स्वास्थ्य उनके मतलब स्वास्थ्य विभाग से कोई एक प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए, उनके लिए उपचार के लिए एक स्वास्थ्य प्राथमिक विद्यालय खुलवाया जाए गरीबों के लिए। शिव नारायण जी, जब आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है जो आपको बताती है कि इसका निस्तारण करना चाहिए? जब जाते हैं जनता के प्रति हमें जब जाते हैं तो जनता के प्रति हमें बहुत स्नेह और प्यार मिलता है, और जनता जो भी समस्याएं होती है हमको बताती है, और मैं उनके समस्याओं को निदान करता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं ठीक है, क्योंकि देखिए, मैं 2015 हमें जनता जिला पंचायत बनाई थी, तो ग्रामीण एरिया था, काफी मैं विकास किया, जितना हो सका मैं विकास किया। अब उनको मैं संतुष्ट करता हूँ, नहीं ठीक है, धीरे धीरे समस्या का निदान होता है, तो इसलिए जनता हमारे प्रति बहुत, जनता का आभार बहुत आता है हमारे ऊपर। शिव नारायण जी, आप चुनावी मैदान में है, अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर आप किसको देख रहे हैं? अब यहाँ तो जितने लड़ रहे हैं सभी हमारे प्रतिद्वंदी हैं, जनता हमें, जनता ही चुनाव में लड़ा रही है। जनता जिसको चाहेगी वही क्षेत्र का प्रतिनिधि बनेगा, लेकिन जनता जिस हिसाब से हमें चुनाव लड़ा रहे हैं, इस क्षेत्र में अभी हमारे यहाँ कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं सबसे अच्छा चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता मेरे साथ है। आप अपने क्षेत्र में युवाओं के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, कुछ अलग? अब हम अपने क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए, जैसे खेल मैदान एक हो, बढ़िया से पार्क हो, लोग अपना खेले कूदे और जाकर अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करे, मैं ये चाहता हूँ। शिव नारायण जी, महिलाओं और बेटियों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे आप? देखिए, महिलाओं बेटियों के लिए जैसे तमाम प्रकार की सरकारी योजनाएं चला रही हैं, जैसे कौशल विकास है, सिलाई का, तमाम प्रकार की ऐसे जो सरकारी की योजनाएं हैं, मैं चाहता हूं कि ये महिलाओं को भी, जो हमारी मातृशक्ति है, सबको रोजगार मिले। आपने अभी सरकारी योजनाओं के बारे में बात किया, तो सरकारी योजनाएं बहुत सारी होती हैं, जो मूलभूत सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं, धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं, तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे आप? अब देखिए, समस्या ये है, जब क्षेत्र का प्रतिनिधि ही ठीक नहीं होता और उसको पता ही नहीं होता कि सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही है, और जब प्रतिनिधि सही रहेगा, जाएगा सही चुन के प्रतिनिधि जाएगा, वो सदन में अपनी बात रखेगा, तो सब कुछ मिलेगा, जनता के लिए सब कुछ करेगा। शिव नारायण जी, जनता का समर्थन अगर आपको मिलता है तो आपके लिए पहली प्राथमिकता कौन सा काम रहेगा जिसको आप कराना चाहेंगे? देखिए, अगर जनता का समर्थन हमें, स्नेह प्यार मिलता है, तो जो भी समस्याएं जनता के प्रति होगी, मैं उसके, जैसे तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन मैं उसको पूरा करूंगा। मैं जनता को आश्वस्त करता हूं कि अगर आप लोग हमें फिर से दोबारा भेजते हैं सदन में, तो मैं जो भी समस्या होंगी उसको मैं पूरा करूंगा। जी, निषाद पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, कैसा रहा है निषाद पार्टी का अनुभव और कैसा महसूस करते हैं आप? मैं निषाद पार्टी में जुड़ा हूं, मैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और जनता भी हमें बड़ा स्नेह और प्यार दे रही है। ये मान के लिए कि हमारे यहाँ निषाद बिरादरी की कम से कम 2,500 वोटर हैं, हमें बहुत अच्छा स्नेह प्यार मिल रहा है, जो और अदर बिरादरियां हैं सब हमें बहुत अच्छा स्नेह प्यार दे रही हैं, और वो चुनाव हमें लड़ा रही हैं।
और जनता ही हमें चुनाव लड़ा रही है। शिव नारायण जी, स्मार्ट गांव बनाने के तहत क्या कुछ आप चाहेंगे कि गांवों में वो सुविधाएं पहुंचे? हम पूरा चाहेंगे सदन में अगर हम जीत के जाते हैं तो जो हमारे महापौत्र जी होंगी, मैं सारी समस्याएं उनके बीच में धरूंगा। ये चाहूंगा कि जैसे आज नगर में विकास हो रहा है, वैसे हमारे गांव में ही विकास हो। शिव नारायण जी, सरकार की तरफ से पीएम आवास दिया जा रहा है, शौचालय दिया जा रहा है, तो क्या धरातल पर पहुंचा है आपके क्षेत्र में? हाँ हाँ मैडम, पहुंचा है और काफी लोगों को मैंने दिलाया भी, शौचालय भी दिलाया हूँ, पीएम आवास भी दिलाया हूँ, जो भी हो सका हमसे, मैं जिला पंचायत था, वो सबको मैं काफी सुविधा दिलाया। शिव नारायण जी, प्राइम टीवी के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी प्यारी जनता के लिए, हमारे दर्शकों के लिए? मैं अपने तरफ से, अपने प्यारी जनता की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो कि आप हमारी बातों को अपने प्रदेश में या नगर में पहुंचाने का कष्ट करें, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिव नारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नगर संग्राम में हमारे साथ थे शिव नारायण, जो कि 45 शतनाग झूसी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। निषाद पार्टी ने इन्हें अपना पार्षद प्रत्याशी बनाया है। 2015 में जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। जिला पंचायत सदस्य रहते हुए इन्होंने कई विकास के काम किए हैं। नगर संग्राम में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।